मैं कहा ये बताओ यार, मेरे को तो पूरे साल बच्चे बोलते हैं सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए। तो उसने जवाब दिया ना एकदम दिल को छूते हुए, एकदम सही बात बोली उसने। जितने भी बच्चों से बात हुई बैकलॉग की, अगर मैं बात करूं तो भैया बैकलॉग कैसे निपटाते हो, मैंने कहा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, उनको नहीं मिलता है। बोले कि सर जो बैकलॉग हुआ, पहली चीज तो सर सबसे बढ़िया तरीका है कि बैकलॉग होने ही मत दो, क्योंकि जब होने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि अब बैकलॉग होना स्टार्ट हो गया। ये बच्चे के बोले हुए वर्ड है, उसने बोला कि सबसे पहले तो आप बैकलॉग होने ही मत दो, द बेस्ट वे टू डील विद बैकलॉग इज नो बैकलॉग, बट अगर किसी वजह से हो जाए तो सही इस टाइम पे अपने आप को जगाते हुए, अपने आप को सचेत करते हुए उसको फटाफट निपटा दो बाय एक्स्ट्रा एफर्ट्स। आपको बैठना पड़ेगा स्टडी टेबल पे, नोट्स देखने पड़ेंगे, वीडियोस देखनी पड़ेगी, नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो बैकलॉग काबू होता। यही एक तरीका बच्चों ने हमें बताया कि सर हम इसी तरीके से बैकलॉग से डील करते हैं। और भी बहुत सारी सवाल पूछे, तो जब मैं उन सवालों से या फिर इन इंटरेक्शन से गुजर रहा था और मैं जब गुजर के अब यहां आया हूं, मतलब कि मैंने वो दो चार बच्चों से बात की, पांच छह से की इनफैक्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि हां दे ऑल आर वेरी कॉन्फिडेंट। आज वाले दिन जब मैं उनके चेहरे पे चमक देखता हूं तो वो चमक ना ही फेयर एंड लवली की है, ना ही अच्छे साबुन की है, ना ही अच्छे शैंपू की है, ना ही लाइट की है। वो चमक जो है ना वो उनकी मेहनत की है। वेरी रिलैक्स्ड, बात में खनक होती है ना, आवाज में खनक है, मैच्योरिटी है। वो जानते हैं कि मेहनत करने के बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसका स्वाद क्या है, तो वो मैं महसूस करके आया हूँ। आई बिलीव आप सभी लोग वही चीज बहुत जल्दी महसूस करने वाले हैं। नेगेटिविटी, नेगेटिव कमेंट्स, वो सब जगह रहेंगे। मैं तो सिर्फ पॉजिटिव लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, या कोई थोड़ा बहुत नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ कि भाई कर सकता है, बेटा कर सकती है तू अभी भी, कोई ऐसी बात कुछ नहीं बिगड़ा है। वी स्टिल हैव टाइम, वी स्टिल हैव पावर, वी स्टिल हैव ऑल द थिंग्स जो हमें एडवांस तक ले जाएगी, सब कुछ है। मैं कहा ये बताओ यार, मेरे को तो पूरे साल बच्चे बोलते हैं सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए। तो उसने जवाब दिया ना एकदम दिल को छूते हुए, एकदम सही बात बोली उसने। बोले सर नोट्स बन जाते हैं अगर थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जाए तो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा अगर नहीं बनाए तो? बोले सर रिवीजन में दिक्कत आती है। जो लोग लास्ट टाइम पे बोलते हैं रिवीजन करवा दो, रिवीजन करवा दो, वो कहीं ना कहीं जब उनसे बात की जाती है तो वो नोट्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि रिवीजन कभी भी वीडियोस के थ्रू नहीं हो सकती है। रिवीजन हमेशा होती है नोट्स के थ्रू जो आपने खुद बनाए हो। तो आपको थ्रू आउट द सेशन नोट्स बनाने चाहिए थे और आप में से बहुत सारे लोग बना भी रहे हैं, दैट इज वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि रिवीजन हमेशा नोट्स से होती है। बोला कि सर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह अकाउंट था और एक दिन मैंने सबको मना कर दिया। मैं कहा बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा, तेरे दोस्त हैं वो? बोले सर करना पड़ा।